नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे यदि आपका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में तो कैसे आपने अकाउंट के साथ नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं। यदि नॉमिनी का नाम पहले से ऐड है आपके अकाउंट के साथ और उसमें कुछ गलती हो जाए, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ गलत हो जाए या फिर नॉमिनी के नाम में कुछ गलत हो जाए या फिर एड्रेस में कुछ गलत हो जाए, आप उसको भी सही कर सकते हैं घर बैठे। यदि कोई भी नॉमिनी ऐड नहीं है आपके अकाउंट के साथ, आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। यदि कोई है तो उसको डिलीट करके न्यू नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं, आप न्यू नॉमिनी भी ऐड कर सकते हैं। आपको ये सभी फैसिलिटी घर बैठे बैंक ऑफ बड़ौदा प्रोवाइड कर रहा है कि आप यह सभी सर्विस एक्टिवेट कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं घर बैठे। कैसे कीजिएगा, चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के इंटरनेट बैंकिंग का रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो नेट बैंकिंग का रजिस्ट्रेशन कैसे कीजिएगा, एक अलग से डिटेल पूर्वक वीडियो बना हुआ, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। जब आप नेट बैंकिंग वाली वेबसाइट पर आइएगा, देखिए पहले आपको अपना यूजर आईडी डालना होगा। आप देख पाएंगे आपको ऑप्शन मिलेगा यूजर आईडी का, आप डाल लीजिएगा अपना यूजर आईडी। अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के इसमें आप सक्सेसफुल लॉगिन पहले कर लीजिएगा। चलिए आपको लॉगिन करके भी दिखाते हैं। जब आप नेट बैंकिंग में लॉगिन कीजिएगा, देखिए आपके सामने इस प्रकार से डिस्प्ले मिल जाएगा देखने के लिए। हम आपको डेस्कटॉप में इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको बराबर दिखे। आप सेम प्रोसेस अपने मोबाइल में भी फॉलो करके आपने नॉमिनी को नाम चेंज करो तो चेंज कर सकते हैं या फिर सुधार करो तो आप सुधार भी कर सकते हैं। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। जब नेट बैंकिंग में लॉगिन कीजिएगा, इसमें देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा ऊपर में अकाउंट का। आप यहां देख पाएंगे, आपको थोड़ा सा जूम भी करके दिखाता है, आप देख पाएंगे आपको ऑप्शन मिलेगा अकाउंट का। आपको अकाउंट के ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे नीचे में आपको ऑप्शन देखिए एक मोर डिटेल का, मोर डिटेल के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए आपको बलग में ऑप्शन मिलेगा अपडेट नॉमिनी डिटेल। आपको फिर इसी के ऊपर क्लिक करूंगा अपडेट नॉमिनी डिटेल के ऊपर। तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको कुछ अपना डिटेल वगैरह फिलअप करना होगा। सबसे पहले देखिए बोल रहा है सेविंग अकाउंट आपका। यदि बैंक ऑफ बड़ौदा में दो अकाउंट है, जैसे कि सेविंग अकाउंट करेंट अकाउंट, आप किस अकाउंट के साथ अपना नॉमिनी का नाम चेंज करना चाहते हैं, उसमें सुधार करना चाहते हैं, आपको वो अकाउंट पहले से सेलेक्ट करना होगा। फिलहाल मेरा सेविंग अकाउंट ही है तो हम यहाँ से सेविंग को सिलेक्ट रहने देंगे। उसके बाद नीचे में आपको ऑप्शन मिलेगा अकाउंट का, यहाँ से आपको अपना अकाउंट भी सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि देखिए मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में दो अकाउंट है, एक करेंट है और एक सेविंग है। हम सेविंग के साथ ही अपना नॉमिनी नाम चेंज करना चाहते हैं। उसके बाद आपको अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद बलक में ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर लेना होगा। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए नीचे ऊपर में आपको कुछ पढ़ने के लिए भी मिल जाएगा। आपको पहले एक बार इसको ध्यानपूर्वक रीड करना होगा। इसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि आप अपना नॉमिनी नाम जो चेंज कर सकते हैं या फिर सुधार कर सकते हैं ऑनलाइन। आपको केवल एक ही बार ऑप्शन मिलेगा चेंज करने का और अपने अकाउंट के साथ एक ही नॉमिनी नाम को ऐड कर सकते हैं। यदि आप दो नॉमिनी नाम रखना चाहते हैं अपने अकाउंट के साथ ऐड करना चाहते हैं, आप ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने नियरेस्ट के ब्रांच में विजिट करना होगा। देखिए स्पष्ट तौर पर लिखवा मिल जाएगा। देखिए बोल रहा है इन केस यू वॉन्ट टू ऐड मोर देन वन नॉमिनी कैंडली विजिट योर बेस ब्रांच। आपको अपने नियरेस्ट ब्रांच में यह ऑप्शन मिलेगा, आप अपने अकाउंट के साथ दो तीन नॉमिनी नाम को भी ऐड करके रखना चाहे तो रख सकते हैं। नॉमिनी के नाम में कुछ सुधार करने के लिए देखिए यहाँ को ऑप्शन मिलेगा एक। यदि पहले से कोई नॉमिनी नाम ऐड होगा तो उसका देखिए नॉमिनी का नाम यहाँ आपको शो हो जाएगा। उसके बाद क्या रिलेशनशिप है वो यहाँ शो हो जाएगा। इसमें कुछ भी करेक्शन करने के लिए, सुधार करने के लिए आपको यहाँ देखिए एक ऑप्शन मिलेगा थ्री बिंदु का, आपको फिर इसी के ऊपर क्लिक करना। आप देख पाएंगे थ्री बिंदु का आपको ऑप्शन मिलेगा, आपको थ्री बिंदु के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद इसमें आपको दो ऑप्शन मिलेगा, पहला एडिट का और दूसरा डिलीट का। यदि आप इसको हमेशा के लिए हटाना चाहते हैं और बिल्कुल न्यू नॉमिनी को ऐड करना चाहते हैं, आप यहाँ से डिलीट के ऊपर क्लिक करके इसको हटा सकते हैं और न्यू नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। यदि आप इसको रखना चाहते हैं तो केवल इसमें कुछ सुधार करना चाहते हैं, आपको एडिट के ऊपर क्लिक करना होगा। चलिए आपको एडिट करके दिखाते हैं। जैसे आप यहाँ से एडिट के ऊपर क्लिक कीजिएगा, नया पेज फिर से ओपन हो जाएगा। आपका अकाउंट नंबर ऊपर में शो होगा। देखिए नॉमिनी का नाम जो है, यदि नॉमिनी के नाम में कुछ गलत हुआ होगा आप इसके ऊपर क्लिक करके देखिए इसको यहाँ से इस प्रकार से करेक्शन कर सकते हैं। आपको डिलीट करने का ऑप्शन मिल, अर्थात आप यहाँ से नॉमिनी नाम सुधार सकते हैं। उसके बाद यदि रिलेशनशिप में कुछ गलत हो गया तो आप अपना रिलेशनशिप को भी चेंज करना चाहते हैं, आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नॉमिनी का क्या डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ से आप उनका डेट ऑफ बर्थ भी डाल सकते हैं। यदि कुछ डेट ऑफ बर्थ में गलत हो गया होगा तो आप यह सभी प्रक्रिया ऑनलाइन घर बैठे ही कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं विजिट नहीं करना होगा, आप घर बैठे अपने नॉमिनी का नाम चेंज कर सकते हैं। कुछ उसमें गलत हो जाए तो आप उसको सुधार भी सकते हैं। जब अपना पूरा डिटेल सही से फिलअप कर दीजिएगा, उसके बाद नीचे नीचे आपको ऑप्शन मिल गया कंटिन्यू का, फिर आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे आप यहाँ से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिए, आपके सामने एक नेक्स्ट पेज फिर से ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से मिलेगा। तो यहाँ आपको कन्फर्मेशन के लिए बोलेगा, आप जो भी डिटेल इंटर किए आप उसके बारे में मैच कर लीजिए क्या वो सही है फिर नहीं। देखिए नीचे में आपको वो डिटेल लिखा हुआ देखने के लिए मिलेगा, आप एक बार मैच कर लीजिएगा।
उसके बाद आपको कुछ टर्म एंड कंडीशन भी मिलेगा, आप एक बार अच्छे तरह से इसको रीड कर लीजिएगा। टर्म एंड कंडीशन में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ वही मिलेगा, आप जो अपना नॉमिनी का नाम चेंज कर सकते हैं वो सेविंग अकाउंट के साथ, यदि आपका सेविंग अकाउंट है तो चेंज कर सकते हैं, क्रेडिट अकाउंट है तो अपना नॉमिनी नाम चेंज कर सकते हैं, या फिर फिक्स डिपोजिट अर्थात FD के साथ अपना नॉमिनी नाम को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और अकाउंट है तो आप उसमें अपना नॉमिनी नाम चेंज नहीं कर सकते हैं, ऑनलाइन आपको नॉमिनी नाम चेंज करने की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। जैसे कि ज्वाइंट अकाउंट में आपको ये सर्विस नहीं मिलेगी, सैलरी अकाउंट में ये सर्विसेज नहीं मिलेगी, इसके लिए आपको अपने नियरेस्ट के ब्रांच में ही जाना पड़ेगा। उसके बाद इसमें आपको और ऑप्शन में आप मिनिमम जो दो बार ही अपना नॉमिनी नाम चेंज कर सकते हैं ऑनलाइन, आपको केवल दो बार ही ऑप्शन मिलेगा, आप नॉमिनी नाम चेंज कर सकते हैं, कुछ सुधार करना कुछ सुधार कर सकते हैं, या फिर डिलीट करना आप डिलीट कर सकते हैं, केवल कितने बार, दो टाइम आपको यह स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ मिलेगा। आप एक बार इसको अच्छे तरह से पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप इसको सबमिट कीजिएगा। नीचे में आपको कुछ और लिखा हुआ मिलेगा कि आप जब अपना नॉमिनी नाम को चेंज कर रहे होंगे तो आपको एक रेफरेंस नंबर भी मिलेगा, आप उस रेफरेंस नंबर को संभाल के रखिएगा, ताकि आने वाले टाइम पे यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस रेफरेंस नंबर के माध्यम से नॉमिनी का नाम करेक्शन वगैरह कर सकते हैं। जब टर्म एंड कंडीशन को अच्छे रूप से पढ़ लीजिएगा, नीचे में आपको फिर ऑप्शन मिलेगा ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालने का, तो यहाँ से अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाल के फिर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ से सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिएगा, आप जो भी नॉमिनी नाम में करेक्शन किए होंगे या फिर न्यू नॉमिनी नाम ऐड किए होंगे तो वो करेक्शन में करेक्शन हो जाएगा और न्यू नॉमिनी नाम में न्यू नॉमिनी नाम ऐड हो जाएगा। इस पर आप कर सकते हैं, लेकिन जो मेरे अकाउंट के साथ नॉमिनी नाम है वो बिल्कुल सब कुछ सही से, हम कुछ भी करेक्शन करना नहीं चाहते हैं, केवल आपको बताने के लिए दिखाने के लिए यह वीडियो हम कर दिए। आप इस पर से अपने अकाउंट के साथ नॉमिनी को नाम चेंज कर सकते हैं, यदि कुछ गलत हो गया तो आप उसको सुधार कर सकते हैं, घर बैठे ब्रांच नहीं जाना होगा, दो टाइम आपको ऑप्शन मिलेगा, आपने नॉमिनी नाम को चेंज कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं दो टाइम। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मन में कोई कन्फ्यूजन कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।